द्वारा लूटे हैं, क्योंकि गांव के लोग ही कुछ मिल करके उनको मानसिकता भर दिए हैं कि बिना पैसा के काम नहीं होगा। और सामाजिक न्याय संघर्ष समिति यह चाहता है कि लोगों को मानसिकता बनाए कि बिना पैसा के काम भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं और अफसर से मिल करके, पदाधिकारी से मिल करके, आग्रह करके, दबाव डाल करके हम लोग चाहते हैं कि जनहित के काम ज़्यादा से ज़्यादा हो और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, आपसी प्रतिद्वंद्विता है, जातीय टकराव है, इसको भी सामाजिक न्याय चाहता है कि सब दूर करें और एक किसी जात पात नहीं, किसी मजहब नहीं, एक इंसान के रूप में हमारा ब्लॉक दिखाई दे और एक हम एक इंसान के रूप में देखे जाए, इसका ही हम लोग हिमायती करते हैं। आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा परिचय है आदर्श ग्राम पंचायत टेरी जी, भूतपूर्व मुखिया उप मुखिया के कर्ज करता है। अच्छा, तो बताएं आप, ये जो संस्था चल रहा है कैसा आपको लग रहा है? संस्था सही दिशा में जा रहा है कि गलत दिशा में? संस्था हम लोग बहुत अच्छा दिशा में चला रहे हैं और जब से चला है हम लोग रेशियो करके मेहनत करके इसको बहुत जगह पर लाने का काम किए हैं और आगे बढ़ाने का भी हम लोग का बहुत हौसला है। भैया बताइए, ये जो संस्था चल रहा है, जो आप लोग बनाए, ये सही में धरातल पर काम करा है कि केवल हवा हवा, यह 10 को बैठे हम लोग पंखा के हवा लें और बात करें चल गए? नहीं सर, इसमें धरातल जो काम चल रहा है सर, रियल में चल रहा है, सुनवाई हो रहा है, हर काम को इसमें काम किया जा रहा है, भरपूर एकदम मदद हर जनता को किया जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जो भी किसी को, किसान को दिक्कत होता है, कोई गरीब परिवार आता है यहाँ पे कागज लेकर, इसका सुनवाई किया जाता है, ब्लॉक में रखा जाता है। चलिए, आप भैया बताएंगे, सामाजिक जो ये कमेटी बना के चल रहे हैं यहाँ के लोग, खास करके इसमें जो जाने पहचाने चेहरा हैं, इन्होंने इतना संघर्ष किया, क्या इनका जो मिशन है, इनका जो मूवमेंट है, वो मिशन हम उस मंजिल तक ले जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो शुरुआत हुआ है ये बहुत आगे तक जाएगा, और ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार होते जाएगा और लोगों के बीच जब जागरूकता बढ़ेगा, लोग जानेंगे कि एक ऐसा संगठन भी है जो गरीब गुरुओं को मदद करता है और उनके समस्याओं का समाधान निशुल्क करता है, तो ये संगठन बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अफसरशाही कितना ज़्यादा हावी हो गया है हमारे समाज में, कोई भी कार्य करने के लिए आपको बिना रिश्वत का काम नहीं होगा। इस कारण से अगर इसको दूर करना है तो सबसे पहले लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना होगा कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, वो अपने अधिकार को समझे, वो जो सरकार के द्वारा जो भी योजना आ रही है उसके बारे में वो उनको जानकारी हो, और जो भी अफसरशाही है इसको दूर करना इस संगठन का मूल उद्देश्य है। चलिए, और यहाँ पर जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सर अपना परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों। सिन्हा नाम हुआ मेरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई जी कि आप हम लोग कल बुलाए, आप इस समय टाइम दिए जी। खासकर जो सर एक कमेटी बनाए, जैसे सर बताएं, आपके पीछे के वक्ता बताएं कि हम ये सामाजिक संगठन है केवल, क्या ये संगठन आगे चल के राजनीतिक रूप तो नहीं लेगा? ना सर, इसका हम लोग आपको वचन देते हैं, जब तक हम लोग का शरीर में प्राण रहेगा इसको राजनीतिकरण हम लोग कभी नहीं होने देंगे। ये हम लोग का प्रण है, पहले दिन से आज भी है। हम लोग के बाबा साहब को विचार के और बापू को विचार के दो तरफ से दो फोटो हम लोग लगाए हैं, उसके विचार पर चल रहे हैं, अहिंसा के मार्ग पर। और बाबा साहब का जो सिद्धांत था कि सबसे अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है आदमी, उसको हम लोग कैसे बराबरी के लाए। और ख़ास करके यहाँ वही लोग आता है जिसको बाकी लोग, मजबूत आदमी बाकी लोग तो काम करा लेते हैं, हम लोग अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उस लेवल तक जोड़ने का कोशिश करते हैं। आपने बाबा साहब का नाम लिया, तो बाबा साहब ने एक बात बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा से दहाड़ेगा। तो सर ये बताइए, जो आपके क्षेत्र में, आपके गांव मुहल्ले में बहुत से वैसे विद्यार्थी हैं, बहुत से ऐसा घर परिवार है जिसको रहने के लिए अभी छत नहीं है, जिसको बच्चा के फीस भरने के लिए या बच्चा के एक सिलेट खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वैसे लोगों को आप कैसे मदद कर रहे हैं? सर, हम लोग दिसंबर से वो शिक्षा पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं जी। एक कोष का हम लोग गठन करके बाबा साहब के पुण्य जो दिन है उसी दिन से हम लोग शिक्षा पर खास करके गरीबों के बीच में हम लोग में जाएंगे। हम लोग गांव-गांव जा करके
इसे बच्चों को आर्थिक तौर पर भी किताब से कॉपी से उसको ड्रेस के द्वारा हम लोग गाँव चयनित करके इसमें मुन्ना जी बेलफार के मुन्ना मास्टर जी हैं उनको जिम्मेवारी मिला हुआ है, इस विभाग उनको दिया हुआ है कि आप चयन करके रखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे उस दिन से शिक्षा के क्षेत्र में सर बाबा साहब के जन्मदिन पर। हाँ जी चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय बताएंगे तो भैया? अनिल कुमार जी। अनिल जी बताइए कि ये जो सर बोले कि शिक्षा पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं, क्या ये सक्सेस हो पाएगा? प्रयास जारी रहेगा तो? प्रयास है। ये मिशन जो जयनाथ जी लेके चले इस क्षेत्र में, क्या वो मिशन रुक जाएगा कि हम आगे तक लेके बढ़ जाएंगे? रुकना तो नहीं चाहिए, प्रयास है। चलो देखिए, रुकना तो नहीं चाहिए, प्रयास है जो इन्होंने किया, जो जयनाथ जी ने अरवल में चल के किए। चूंकि अरवल के खास करके बहुत से बच्चे भी जानते हैं कि जयनाथ जी कोई शख्स हैं जिन्होंने इस तरह से यहाँ कमेटी बनाए। हम दिखाएंगे कि पूरे उन महापुरुषों को, जो महापुरुषों ने इस दबे कुचले समाज को शिक्षा के प्रति जागृत किए, महात्मा ज्योतिराव फुले साहब, सरदार भगत सिंह, बाबा साहब, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद सुभाष जी और भगत, ये सारे महापुरुषों को इन्होंने इकट्ठा करके ये दर्शाने के काम किए कि हमें एक सामाजिक चेतना पैदा करना है समाज में। इन लोगों को इस तरह के मानसिकता है जो कि मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के काम करेंगे।